नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति के फैसले पर भी उठ सकते हैं सवाल, नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर केंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को नकारते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं और उनके फैसले पर भी सवाल उठ सकते हैं। दरअसल केंद्र ने दलील दी थी कि अगर राष्ट्रपति ने अपने विवेक से कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया है तो फिर उसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि वो राष्ट्रपति के विवेक पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन यह भी साफ होना चाहिए कि हर फैसले को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। कोर्ट में याचिकाकर्ता हरीश चंद्र सिंह रावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद थे। एक सौ 137 वर्षों में सबसे गर्म रहा मार्च 2016। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि पिछला महीना आधुनिक इतिहास में मार्च का सबसे गर्म महीना था और साथ ही लगातार ऐसा 11वां महीना था जब मासिक वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड टूटा। यह क्रम 137 सालों में सबसे लंबा है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भूमि और समुद्र की सतह पर मार्च 2016 में औसत वैश्विक तापमान NOAA के वैश्विक तापमान के 1880 के बाद से रखे गए आंकड़ों के रिकॉर्ड में मार्च के महीने के हिसाब से सबसे ज्यादा था। भारतीय नौसेना के पोत में विस्फोट, 3 नाविक घायल। भारतीय नौसेना के एक पोत में ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से 3 नाविक घायल हो गए और उनमें से एक नाविक ने अपना पैर गंवा दिया। यह घटना 16 अप्रैल को INS निरीक्षक में घटी और अभी तक इस पर चुप्पी साधे रखी नौसेना ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। नौसेना का यह पोत विशाखापत्तनम से मुंबई जा रहा था। नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब गोताखोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली बोतल चार्ज की जा रही थी। यह 12 इंच की ऑक्सीजन की बोतल होती है जिसे गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं। न्यूयॉर्क प्राइमरी में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी की जीत। मैनहट्टन के अरबपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की अपनी अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। ट्रंप को उनके गृह राज्य में मिली इस बड़ी जीत ने उनकी दावेदारी को एक नई लय दे दी है और उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक 1237 डेलीगेटों की संख्या के निकट ला दिया है। दूसरी ओर 8 वर्षों तक न्यूयॉर्क की सीनेटर रही हिलेरी 59.3% मतों के साथ अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से काफी आगे हैं। सैंडर्स को 40.8% मत मिले हैं। केजरीवाल को झटका, नजीब जंग ने की तिहाड़ के डीजी शर्मा की नियुक्ति रद्द। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राजधानी स्थित केंद्रीय कारागार के महानिदेशक के पद पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जेके शर्मा की नियुक्ति के दिल्ली सरकार के आदेश को बुधवार को निरस्त कर दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक जेके शर्मा को तिहाड़ केंद्रीय कारागार के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का आदेश जारी किया था, लेकिन जंग ने इस आदेश को गैर कानूनी बताते हुए निरस्त घोषित कर दिया। उपराज्यपाल का कहना है कि शर्मा की नियुक्ति के बारे में केजरीवाल ने उनसे अनुमति नहीं ली। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।